एबीपीएस न्यूज सच का साथी। मिर्जापुर वाराणसी समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष किशन दीक्षित व जिला उपाध्यक्ष गोलू उपाध्याय के नेतृत्व और संचालन साइकिल यात्रा सबके समस्त कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर देखने को मिला। किशन दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बनारस क्योटा तो नहीं बन पाया बल्कि अपनी भी संस्कृति खोने की कगार पर है। वहीं मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने बताया कि जनता अब वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है, उनके जुमलेबाजी और झूठे वादों से अब तंग आ चुकी है। साइकिल यात्रा को जनता का अपार सहयोग मिल रहा है। खराब सड़कें ये बता रही हैं कि सरकार यातायात को दुर्गम बनाने में ही अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। तेज तर्रार नेता देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि आज भ्रष्टाचार व अपराध अपने चरम पर है। अखबारों में हत्या, बलात्कार, खूनी संघर्ष, मारपीट, गुंडई, डकैती की घटनाएं भरी पड़ी हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि अखबार को निचोड़ दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ खून ही निकलेगा। पूरा वातावरण दूषित नजर आ रहा है। साइकिल यात्रा के दौरान पूरे जत्थे को खराब सड़कों से रूबरू होना पड़ा। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की एक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ये बनारस से किशन दीक्षित हैं, जो योजना सभा के बनारस के अध्यक्ष भी हैं। इनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। इनके नेतृत्व में ये साइकिल यात्रा निकली है कि बनारस से चलकर मुगलसराय, चंदौली, चकिया, नौगढ़ होते हुए रावतगंज और रावतगंज से राजगढ़ होते हुए आज मिर्जापुर पहुंची है। इन लोगों को भदोही होते हुए जौनपुर के रास्ते से लखनऊ भी जाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार चल रही है और देश की मोदी सरकार जिसको 4.5 साल से ज़्यादा हो गया, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता, हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को गुमराह करके हिंदुस्तान में कब्जा किया और जो 15 लाख देने का वादा किया, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया, जो भी सर वादा किए इन लोगों का वादा झूठा निकला है। इस बात को उजागर करने के लिए ये साइकिल यात्रा गांव में होते हुए, पगडंडियों से होते हुए, चौराहे चट्टी से होते हुए, जगह जगह सफाई करते हुए इस बात की जानकारी दे रही है कि ये सरकार हिंदुस्तान की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसलिए इस साइकिल यात्रा का जो नाम दिया गया है, प्रजातंत्र बचाओ, देश बचाओ, जन संदेश साइकिल यात्रा। इस अभी रास्ते में राजगढ़ के मिर्जापुर आते ही समय इतने बड़े बड़े गड्ढे रास्ते में मिले हैं, जैसे लगा कि ट्रक अलट जाएंगे और पैर की हड्डियां हमारी टूट जाएंगी। निश्चित तौर से सच्चाई में हो रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि बनाने की बात कह रहे थे, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, गंगा की बात कह रहे थे। मैं आप बनारस का रहने वाला हूँ, वास्तविकता बताता हूँ कि कभी गंगा में जिस दिन बाढ़ खत्म हो जाए, जहाँ पर गंगा आरती आगे देखते हैं, आप जाकर स्नान कर लीजिएगा वगैरह, वहाँ पर आचमन कर लीजिएगा, तो मैं राजी करना छोड़ दूंगा। गंगा अकेटो तो दूर हो गया, बनारस को बनारस ही रहने दे, यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। ये समाजवादी पार्टी की जन संदेश यात्रा जो बनारस से होकर के चंदौली होकर नौगढ़ होकर के रावतगंज होकर राजगढ़ यहाँ पे आई है, आज रात्रि में यहाँ विश्राम करेंगे साई गार्डन में और यहाँ भोजन लेंगे और फिर सुबह नाश्ता करके फिर यहाँ पे भजन रवाना होंगे। ये जो हमने की साइकिल यात्रा निकली है, ये हमें जनता को संदेश देना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने काम किए थे, ये उसका एक भी प्रतिशत भी काम उन्होंने नहीं किया। आप सलग कहा दुरुस्त देख रहे हैं। ये लोग पहले हम लोग को कहते थे कि इनके पास 3 मुख्यमंत्री हैं और इनके पास लिखा पढ़ी में 3 मुख्यमंत्री हैं और जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लिखा पढ़ी में 3 मुख्यमंत्री इनके हैं, केशव प्रसाद है, शर्मा जी है, अजीत आगिनाथ जी है, सारे लोग हैं। और हम लोग जितना काम किए, हमारे नेता जितना काम किए, ये एकदम उसके उल्टा करें। हम लोग जब कैसे किसान की बात करते हैं तो कैसे काशी की बात करते हैं, और कैसे अगर हम ऐसे अयोध्या की हम ऐसे धंधे की बात करते हैं तो ऐसे अयोध्या की बात करते हैं, अगर मैं से मजदूरों की बात करते हैं तो मैं से मथुरा की बात करते हैं, हर से मैं हजारों की बात करता हूँ तो हर से हिंसा की बात करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए हम लोग साइकिल यात्रा निकाल कर जन जन गाँव गाँव और चौपालों में हर जगह हम इसका प्रचार कर रहे हैं कि इसी सरकार से मुक्ति मिलना चाहिए। सारे लोग आप फेसबुक पढ़ लीजिए, पेपर पढ़िए, ऐसा कौन है कि जो कहते कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आज क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, पेपर उठा दीजिए और पढ़िए, अगर निचोड़ दीजिए तो खून में निकल आते तो ये क्या कर रहे हैं बाप। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।